तो गाइस, क्या आपने कभी माइनक्राफ्ट में ट्रैवल किया है? आपने बोला होगा माइनक्राफ्ट वर्ल्ड तो होता ही है एक्सप्लोर करने के लिए, क्यों नहीं किया होगा? लेकिन कितना दूर तक? 10,000 ब्लॉक, 20,000 ब्लॉक, 30,000 ब्लॉक, 1,00,000 ब्लॉक, 2,00,000 ब्लॉक से ज़्यादा शायद आप सर्वाइवल में ट्रैवल नहीं किए हो। ज़रूरत भी नहीं पड़ता, कौन अपना स्पॉन पॉइंट से इतना दूर जाएगा। ऐसा सब लोग बताते हैं कि माइनक्राफ्ट वर्ल्ड इन्फिनिट है। क्या आपने कभी पता करने की कोशिश किया है क्या माइनक्राफ्ट वर्ल्ड सच में इन्फिनिट है? आप कहोगे हाँ, ये तो इन्फिनिटली जनरेट होता है। जैसे मैं अभी इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ तब भी आप देख सकते हो कि मेरा सामने का ग्रास क्रिएट हो रहा है। आप कहोगे हाँ, माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड इन्फिनिट है। लेकिन नहीं, हम माइनक्राफ्ट में बहुत दूर तक जा सकते हैं सही, लेकिन बहुत दूर जाने के बाद माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड ग्लिच करने लगता है। मतलब जो स्ट्रक्चर स्पॉन होते हैं वो स्ट्रक्चर्स ग्लिच होता है। टाइम भी आता है अगर हम उस स्पॉन पॉइंट में जाए तो हम अपने आप को मूव नहीं कर सकेंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं द माइनक्राफ्टर, आप देख रहे हैं द माइनक्राफ्टर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कहाँ है माइनक्राफ्ट का एंड। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। देख सकते हैं मैं अभी एक वर्ल्ड में स्पॉन हो चुका हूँ। अगर मैं सर्वाइवल या क्रिएटिव में भी यहाँ से चलने शुरू करूँ तो वर्ल्ड का इन में पहुँचते पहुँचते मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। वो जल्दी पहुँचने के लिए अगर हम क्रिएटिव में भी जाना शुरू करें तो भी हमें पहुँचते पहुँचते बहुत साल लग जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड का एंड होता है करीब करीब मिलियन बिलियन या ट्रिलियन ब्लॉक के आसपास। इन हमारे पास तो उतना टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टेलीपोर्ट कमांड का यूज़ करेंगे। हम फारलैंड्स में जाना चाहे तो हमें जो टेलीपोर्ट कमांड यूज़ करना होगा वो देखिए, वो मैं जो कमांड बॉक्स में लिखूंगा उसको आपको कॉपी करना होगा। आपको लिखना होगा /tp@a@a आपको इंडिकेट करेगा 1255080। फिर आपको लिखना होगा 87 या आप वाई का पोजीशन कुछ भी दे सकते हो। फिर आपको जेड को 0 रखना होगा। फिर एरो दबाते ही आप पहुंच जाओगे फारलैंड्स में। ये देखिए हम पहुंच गए हैं अभी फारलैंड्स में, ये देखिए। तो ये रहा हमारा फारलैंड्स, इसका पोजीशन आप स्क्रीन में देख सकते हो। तो देख सकते हैं अगर हम इसके अंदर जाने की कोशिश करें, क्लीन आप देख सकते हैं बहुत ही ग्लिच कर रहा है, लेकिन ये इन्फिनिट टाइम तक जेनरेट होगा। लेकिन ये भी इन्फिनिट नहीं है, यकीन नहीं होता? तो चलिए दिखाता हूँ। से एक बार कमेंट बॉक्स में जाए और यहाँ पर लिखे /tp@a180, फिर y का पोजीशन कुछ भी देके, फिर से 1 और 80। फिर अगर हम ओके करें हमारा स्क्रीन ऐसा दिखेगा, हम बस नीचे और ऊपर जा सकते हैं। देखिए मैं सामने का बटन दबा रहा हूँ लेकिन मैं सामने नहीं जा पा रहा हूँ। ये देखिए, ये है माइनक्राफ्ट का बॉर्डर। मतलब ये बॉर्डर तो नहीं करेंगे हम, सामने और भी जा सकते हैं टेलीपोर्ट की मदद से, लेकिन हम ऐसे चल के नहीं जा सकते। तो यही था माइनक्राफ्ट का बैडलैंड्स एंड आफ्टर बैडलैंड्स। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर ब्लॉक भी तोड़ सकते हैं, ये देखिए, लेकिन हम सामने नहीं जा सकते। तो अगर आपको लगता है कि माइनक्राफ्ट इन्फिनिट है तो शायद आप गलत हो। लेकिन अगर आप इस इन्फिनिट वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहो तो शायद आप नहीं कर सकते। जैसे देखिए यहाँ पर एक डेजर्ट टेम्पल स्पॉन होते होते नहीं हो पाया, क्योंकि ये माइनक्राफ्ट का बहुत ही दूर का जगह है और यहाँ पर स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा ग्लिच करता है, ये देखिए। तो यही था माइनक्राफ्ट का बैडलैंड्स और आफ्टर बैडलैंड्स। अगर आप चाहो तो इस पोजीशंस में जाके इस बैडलैंड्स और आफ्टर बैडलैंड्स का मजा ले सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से एक और नए वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय।